दिल्ली हिंसा का दर्द अब सामने आ रहा है और इस हिंसा में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की भी मौत हो गई। अंकित मुजफ्फरनगर के इटावा गांव के रहने वाले थे और उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सामने आ रहा है दिल्ली हिंसा का दर्द। मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे आईबी अधिकारी अंकित शर्मा। दिल्ली हिंसा में मारे गए अंकित। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। अंकित की मौत से सदमे में पूरा गांव। दिल्ली हिंसा का दर्द अब सामने आ रहा है। हिंसा में मारा गया कोई बिहार का है तो कोई हरियाणा का। वहीं दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर के भी एक होनहार की इस हिंसा में मौत हो गई। आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा जिनकी हिंसा में मौत हुई वो इसी जिले के रहने वाले थे। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के इटावा गाँव में अंकित की मौत के बाद कोहराम मचा है। उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मेरा भाई जो है बेसिकली किसी भी तरह से ना तो मुसलमान की वजह से ना हिंदू की वजह से मरा है। केवल ये एक हमारे जो यहाँ के झगड़े हो रहे हैं, जो शाहीनबाग का जो मामला चल रहा था, जो आज हुआ था, केवल उसके कारण हुआ है। केवल हम इसको जो है केवल एक राजनीति के तौर पे देखेंगे, हमें उसका दुख है, बहुत ज्यादा दुख हम व्यक्त करते हैं। दरअसल अंकित का शव दिल्ली में भजनपुरा में एक नाले में पड़ा मिला। बताया ये जा रहा है कि वो ड्यूटी पूरी कर अपने घर जा रहे थे जहां उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया और हत्या कर शव को फिर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आईकार देखा तो वो खुफिया विभाग का असिस्टेंट ऑफिसर निकला, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अंकित के पिता रविंद्र शर्मा भी खुफिया विभाग में दिल्ली में ही तैनात हैं। 2017 में अंकित ने नौकरी ज्वाइन की थी। क्या नाम था उसका? अंकित शर्मा। किस चीज़ में नौकरी करते थे? आईबी में ड्यूटी जॉइन से दिल्ली। अब क्या हुआ? डेड बॉडी आई? नहीं, डेड बॉडी नहीं आई जी। अब क्या सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से चाहे दंगे हो रहे, बिन बात के पिछाद कर रहे हैं। अंकित के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि उनका होनहार अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुजफ्फरनगर से प्रवेश कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।